हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल केटी क्लासेज में। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग सीखने वाले हैं एलसीएम का शॉर्ट मेथड। जी हाँ, एलसीएम का शॉर्ट मेथड। आप लोगों को एलसीएम का क्वेश्चन दिया जाएगा और आप उसको देखते ही उसका आंसर आप सेकंड में बता सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से गुजारिश है आप लोगों से कि आप लोग वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए देखिएगा, आपको ट्रिक नंबर वन में बता रहा हूँ कि ट्रिक नंबर वन देखिए, यहाँ पे एक क्वेश्चन है 6, 12, 24, इसका आपको एलसीएम निकालना है। तो आप डायरेक्टली इसमें क्या कीजिए, 6, 12 और 24 में सबसे बड़ी संख्या कौन है? तो सबसे बड़ी संख्या 24 है। और ये 24 देखिए 6 से भी कटता है, 12 से भी कटता है और ख़ुद 24 से भी कटता है, यानी कि इसका जो एलसीएम आएगा वो 24 होगा। एग्जांपल नंबर 2 देख लीजिए, जैसे कि 6, 12, 24 और 48 रहे, तो बताइए इसका एलसीएम कितना होगा? तो सबसे बड़ी संख्या कौन है? 48 है, यानी कि इसका आंसर 48 होगा। अब आगे आप देंगे क्वेश्चन, उसमें भी बड़ा संख्या रहेगा तो बोलिएगा वो आंसर होगा। तो जी नहीं, यहाँ पे ये भी देखना पड़ेगा आपको, ये जो 48 है ये इससे भी कट रहा है, इससे भी कटता है, इससे भी कटता है और खुद तो कटता ही है, यानी कि इसका आंसर जो होगा वो 48 होगा। चलिए कुछ और देख लेते हैं एग्जांपल्स, जैसे कि 12, 36, 72। तो 12, 36 और 72, अब इसका एलसीएम आपको निकालना है। तो इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन है? सबसे बड़ी संख्या है 72। तो ये जो 72 है ये 12 से भी कट जाता है, 36 से भी कट जाता है और 72 तो 72 से काटेगा ही, यानी कि इसका जो एलसीएम होगा वो 72 हो जाएगा। कुछ और एग्जांपल्स देखिए, जैसे 3, 18, 36, 72। अब बोलिएगा इसका एलसीएम कितना होगा? तो इसका एलसीएम हो जाएगा 72। अब बोलो कैसे? तो 3 से भी कटता है 72, 18 से भी, 36 से भी और 72 से भी। तो ये तो हमारा ट्रिक नंबर 1 था कि बड़ा संख्या को देखो और देखो कि वो सबसे कटता है कि नहीं। अगर कट जाए तो जो बड़ा संख्या है वही उसका एलसीएम हो जाता है। लेकिन ट्रिक नंबर 2 में आपको थोड़ा सा डिफरेंट देखने को मिलेगा है। चलिए ट्रिक नंबर 2 को भी देख लेते हैं। जैसे कि आपको क्वेश्चन में दिया हुआ रहे 5, 15, 20 और 30, तो इसको आप कैसे बनाइएगा, इसका एलसीएम कितना होगा? तो सबसे पहले जो नंबर सबसे बड़ा है आप उसको पहले चूज कीजिए। कौन है सबसे बड़ा? 30 है, यानी कि ये 30 है। तो आप बोलिएगा यही एलसीएम होगा? जी बिल्कुल नहीं। सबसे पहले देखो कि 5 से कट गया, 15 से कट गया, लेकिन क्या ये 20 से कटता है? क्या ये 20 से कटता है? नहीं कटता है। तो इस 30 को, ये जो 30 है, इस 30 को ऐसा करना है कि ये 20 से भी कट जाए। तो क्या आप 30 को मल्टीप्लाई 2 से कर सकते हैं? तो बिल्कुल कर सकते हैं, यानी 30 गुना 2 करेंगे तो 60 हो जाएगा, जो कि 20 से भी कट जाता है, 15 से भी कटता है और 5 से भी कट जाता है। तो इसका जो एलसीएम होगा वो 60 होगा। और भी एग्जांपल्स आप घर पे बना सकते हैं। और मैं एक एग्जांपल आपको दे देता हूँ, जैसे 7, 14 और 13, आपको इसका एलसीएम निकालना है। तो आप इसको कैसे निकालिएगा? सिंपली आपको सबसे पहले पता करना है कि बड़ा संख्या कौन है। तो बड़ा संख्या है 14। तो 14 किस किस से कटेगा? 7 से कटेगा। क्या 13 से कटेगा? नहीं कटेगा,
ये ट्रिक नंबर थ्री है जी, ये ट्रिक नंबर थ्री है। तो 7, 14 और 13 में 14 बड़ी संख्या है, जिसमें ये जो 14 है ये केवल 7 से कटते हैं, 13 से नहीं कटते हैं। तो आपको फिर करना क्या होगा, तो ये 14 और ये 13 इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना होगा। और जब आप इसका मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आएगा आंसर 182, जो कि आपका आंसर होगा। तो इस वीडियो में आज के लिए बस इतना ही, और हमारे वीडियोज को देखते रहें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।